न्यूमेरिकल नंबर 6 है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे थोड़ा, कि चार बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोने पर रखे हैं। चार बिंदु आवेश है, डायग्राम दिया हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर, गिवन है डायग्राम की वैल्यू, तो ऐसा कुछ डायग्राम है क्वेश्चन में जिसमें चार आवेश है। यहाँ पे बिंदु ए है और आवेश कितना है 2q, बिंदु बी आवेश कितना है +2q, बिंदु आपके पास है सी आवेश कितना है -q, और बिंदु है डी आवेश कितना होगा +q, ठीक है। और इसका केंद्र कैसे बनेगा कि जब आप इसके विकर्ण बनाओगे, तो ये मैंने क्या बनाया इसका विकर्ण, जहाँ विकर्ण समद्विभाजित करेंगे वो क्या कहलाएगा केंद्र, और विकर्णों के मध्य का कोण कितना होता है 90 डिग्री आपके पास होता है, ठीक है। देखिए कंसेप्ट ये है कि अगर धनात्मक आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र होता है आवेश से दूर जाता हुआ लंबवत भार की ओर, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आवेश की ओर होगी। दूसरी बात वो समझाते हैं कि मान लीजिए बिंदु आवेश क्यू है, दूरी आर हो, बिंदु क्या हो पी, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा KQ/r2। यदि केवल आप आवेश को दुगना करते हो, आवेश को क्या करते हो दुगना, अगर आवेश दुगना करोगे तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा दुगना। बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ काम में लेना हो, इसको सोल्व करना है तो किस प्रकार से कंसेप्ट काम में लिया जाएगा समझिए। आपके पास ये प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश के कारण ये दूरी मान लीजिए ए है, भुजा है, और इस भुजा का मान कितना दे रखा है, ए का मान 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10^-2 मीटर। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये जो पूरी टर्म होगी कंप्लीट, ये कितनी होगी आपके पास √2a। मुझे केवल इसकी ये हाफ वैल्यू चाहिए, आधी, इतना सा डेटा चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे केंद्र पे निकालना है, तो केंद्र तक पहुंचने के लिए कितना होगा, तो टोटल √2a है तो इसका आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा a/√2। तो ये दूरी कितनी है a/√2, ये दूरी भी a/√2, ये वाली दूरी भी a/√2, और ए इस दूरी को भी क्या लिखेंगे a/√2। अब विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो आपके पास आवेश कितना है q, दूरी कितनी है a/√2, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र मान लिया कितना है e है, और इस e का मान कितना होगा, ए का मान होगा के, आवेश का मान कितना है q/दूरी का स्क्वायर, इसका मतलब a/√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया e = 2 KQ/a2। ये तो एक आवेश के कारण है, कितने के कारण है, एक आवेश का विद्युत क्षेत्र है आपके पास, ध्यान देना इस बात का। देखिए सी पे आवेश कैसा है माइनस, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है लंबवत अंदर की ओर, ये कितना होगा ई, भाई एक ही आवेश है। अगला है बी पे, बी पे कितने आवेश है 2q, डबल आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा पास, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा डबल होगा, और ये कितना होगा पास, ये होगा कितना 2e, क्योंकि धनात्मक आवेश है इसलिए लंबवत भार की ओर है। फिर अगला आपके पास क्या है -2q, इसमें भी आवेश क्या है डबल है और ऋणात्मक है, ऋणात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होता है लंबवत अंदर की ओर, तो ये कितना होगा 2e। अब देखिए आपने चारों आवेश का विद्युत क्षेत्र निकाल दिए, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश कारण ई है, फिर यहाँ पे माइनस क्यू आवेश कारण आपके पास ई है, प्लस 2q आवेश कारण आपके पास 2e आया, और -2e के कारण कितना आया 2e आया। मैं इसी ज्योमेट्री को केंद्र पे जितने लगे इसको दोबारा बना रहा हूँ, तो ये मैंने केंद्र बोला, यहाँ पे इस प्रकार से लग रहे हैं, इधर e लगा है और इधर कितना लगा है 2e, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे कितना लगा है e, और फिर इधर कितना लगा है 2e। आपको एक कंसेप्ट पता है, और कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए बिंदु है, इधर की तरफ 6 न्यूटन बल काम कर रहा है, इधर 4 न्यूटन काम कर रहा है, तो परिणाम कितना लगेगा, अगर दिशाएं विपरीत है तो बल घट जाता है, या कोई भी सदिश राशि है वो घट जाती है, 6 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 2 न्यूटन, लेकिन 2 न्यूटन किधर होगा 6 न्यूटन की दिशा में। सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा, इधर 2e है इधर e है,
तो घट के कितना बच जाएगा, दो ई में से एक ई घटा दोगे तो एक ई बच जाएगा। उसी प्रकार से इधर की तरफ टू ई काम कर रहा है, इधर ई काम कर रहा है, घटाए कितना बचा, मतलब कि पहले चार विद्युत क्षेत्र थे, इनको आपस में सोल्व करके कितने बच गए, दो, और इनके मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। अब दो को तो हम सदिश के नियम से सोल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से, कि इस वाले सदिश को उठा के इसके ऊपर बना देंगे और इसको उठा के इसके ऊपर बना देंगे, तो जहाँ परिणामी काटेगा वहाँ पे आएगा ई नेट, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो आपने वैसे भी कंसेप्ट पढ़ा है कि दो सदिश अगर एक दूसरे से थीटा कोण पे रखे हो तो उनके मध्य का परिणामी सदिश क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ई नेट का मान कितना होगा, उसका परिमाण होगा अंडर रूट प्रथम विद्युत क्षेत्र ई स्क्वायर प्लस द्वितीय विद्युत क्षेत्र, वो भी कितना है, ई स्क्वायर प्लस 2ee cos 90, क्योंकि इनके मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। आपके पास cos 90 जीरो होता है तो जो चीज़ मैंने अंडरलाइन करी पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 2e स्क्वायर, क्योंकि e स्क्वायर जुड़ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ऑफ e स्क्वायर, e स्क्वायर रूट से बाहर आया तो e बचा, अंडर रूट 2 तो एज इट इज, और e का मान हम पहले निकाल चुके हैं कितना होता है, 2kq/a² तो ये बन जाएगा 2kq/a² सॉल्व आउट करेंगे आपके पास, अंडर रूट 2 गुना 2 गुना k का मान 9 गुना 10⁻⁹, एक आवेश का मान, तो आवेश का मान कितना है, 0.02 माइक्रोकूलम लिखेंगे, 0.02 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ a, ए कितना है, 2×10⁻², तो ये हो गया 2×10⁻²² का होल स्क्वायर। सॉल्व आउट करें इसको तो ये कितना बचेगा, अंडर रूट 2×2×9×10⁻⁶, 10⁻³ हो गया 0.02/2 का स्क्वायर कितना कर दोगे, 4, 10⁻²² का स्क्वायर 10⁻⁴, पॉइंट हटाओगे 100 आएगा, 100 का मतलब 10⁻²² होता है, 2×2=4, 4×4 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻²² से काटा 10⁻², माइनस 2 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस 2, बचा क्या, 9, फिर क्या बचा, अंडर रूट 2 गुना 10⁻³ और 10⁻²² ऊपर गया प्लस 2, 10⁻³ कितना हो गया, 5, और आपने परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। उसने एक और चीज़ पूछी थी कि तीव्रता व दिशा ज्ञात करो, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आया है और ये दिशा ए बी के क्या है, समांतर है, तो हम बोलेंगे दिशा क्या होगी, ए बी के समांतर। थैंक यू।